सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टैग स्ट्रीम में। मेरा नाम है शुभम और अभी जो आपने वीडियो देखी वो आपको भी ज़रूर से पसंद आई होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने रील पे इसे देखा था मैं फैन सा हो गया और मुझे यही था अंदर से कि मैं इसे ज़रूर से सिखाऊंगा आप लोगों को कि आप कैसे इसे एडिट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे एक कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे जो एडिटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही मिनिमल है। आप बहुत ही कम एडिटिंग करोगे और ये वाली वीडियो को बना लोगे। अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज हो रही है वो बिल्कुल पेड है, तो उसे आप प्ले स्टोर पे जाके जैसे डाउनलोड कर लेंगे देन वो आपको सब्सक्रिप्शन मांगेगा। तो उसका भी एक सस्ता जुगाड़ यह है कि वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि क्या जुगाड़ आपको करना है। और बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से कर देना, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताया करो कि आपको क्या दिक्कतें लग रही है हमारी वीडियो में, ताकि हम इंप्रूव कर पाएं। और बाकी वीडियो अच्छी लगे देन वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, हमें मोटिवेशन मिलती है। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली एप्लीकेशन है प्रिक्वेल, जिसे मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पेड है। तो अगर आप कैपेबल हैं पे करने के देन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, अगर नहीं है देन एंड में मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है डाउनलोड फ्री में। और बाकी दूसरी एप्लीकेशन जो यूज़ करनी है वो बिल्कुल फ्री है, जो कि हमेशा की तरह हम रील एडिटिंग के टाइम यूज़ करते हैं, VN वीडियो एडिटर, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमारा ऑडियो जो इस ट्रेंड में यूज़ हो रहा है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यही तीन मेन चीज़ें हैं, तो इन्हें आपको इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट करनी है। प्रिक्वेल नाम की एप्लीकेशन में आओ, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ देन बहुत ही ज़्यादा सॉरी। तो आपको प्लस पे नीचे टैप करना है, जो भी नीचे प्लस दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद उस फोल्डर में आ जाओ जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद अपनी जो भी फ़ोटोज़ आपको यूज़ करनी है उस फोटोज़ को सेलेक्ट करना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसी फ़ोटो लेना जिसमें पीछे ना स्काई दिख रहे हैं, वो बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको आना 3D वाले आइकन में, जैसे इंपोर्ट हो जाए उसके बाद स्नो नाम का इफेक्ट होगा, 3D स्नो, तो उस पर टैप कर देना है। और वहाँ पे ना तीन इफेक्ट होंगे, पहले वाले पे टैप करके जस्ट एक और बार टैप करना है तो यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी ये वाली। तो आपको आना स्पीड में और इसे कर देना फास्ट। फास्ट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपका वो फील नहीं आएगा जो ट्रेंड में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फास्ट करना मैंडेटरी है। और यहाँ पे आप स्मूथ भी कर सकते हैं, स्मूथ तो ऑलरेडी रहता है। उसके बाद आना है कैनवास में 9:16 सेलेक्ट कर देना है, ताकि हमारा रील का रेशो आ जाए। उसके बाद आपको इसे कर देना एक्सपोर्ट। बस इतना ही काम करना है, बस एक दिक्कत ये है कि आपको सारी मैनुअली करनी होगी। अभी हमने एक कर ली है और बाकी की करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, तो मैंने एक फोटो का आपका करके दिखा दिया। उसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको 7 फोटोज़ को कर लेना है एक्सपोर्ट। और यहाँ पे स्नो इफेक्ट के साथ 7 फोटोज़ जैसे ही आपकी इकट्ठा हो जाए उसके बाद की जो एडिटिंग करनी वो हम सीख लेते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक करी है देन लाइक कर देना, और क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया है नहीं तो अगर नहीं कराता था किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, ऐसा मत बोलो, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपको ऐसी और भी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती। और बाकी एडिटिंग सीखते हैं। सारी वीडियोस रेडी करने के बाद 3D इफेक्ट में अब आपको आना है यहाँ पे VN वीडियो एडिटर में, और यहाँ से सेलेक्ट करनी पहले अपनी एक वीडियो जो कि आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ। तो पहली आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, उसे कर देना ऐड। ऐड करने के बाद एंड से उस ब्लैक पार्ट को डिलीट कर दीजिए इस वाले को, और यहाँ से प्लस का आइकन पर टैप करके और वीडियो के ऑप्शन में आना है और फोल्डर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ के आपको दिखेगा प्रिक्वेल नाम का, जिस एप्लीकेशन से हमने बनाया है। टोटल 7 वीडियोस बनानी थी तो हमें 7 सेलेक्ट कर देनी है। सीक्वेंस जो आप डिसाइड करना चाहते हैं यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं और उसी तरीके से ऐड कर देना है। वीडियो की स्टार्टिंग में और जो मेन साउंड है ना उसे ऑफ करो। ऑफ करने के बाद ऊपर ऑडियो वाले ऑप्शन पर टैप करना, म्यूजिक का ऑप्शन आएगा उस पर टैप करना, और टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा 3D स्नो नाम से, उसे ऐड करना। म्यूजिक बीट के ऑप्शन में आना और बीट लगाना, पहली 3.03 सेकंड पे, फिर 3.93, 4.79, 5.60, 6.32, 6.95 एंड 7.50। ये आपको टोटल 7 बीट लगाने और इन्हें कर देना ऐड। ऐड करने के बाद हर एक डॉट पे आपकी नेचुरल, जैसे हम कहते थे ना वैसे ही प्रोसेस रहने वाला है कि हर एक डॉट पे आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए या फिर एक वीडियो बोल लो, क्योंकि अब तो ये वीडियो बन चुकी है। सो डॉट पे जाना है, स्प्लिट पे टैप करना है, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। डॉट पे जाना है, स्प्लिट पे टैप करना है, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देना है। इस प्रोसेस को एंड तक फॉलो करना है जहाँ तक हमारी वीडियोस का पार्ट है। तो यहाँ से इस वाले को इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हो, ड्रैग करके एंड वाली अच्छी होती है, तो ड्रैग करा करो। अब ऑडियो के नीचे जस्ट आपको
टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन होगा, उस पर टैप करना है क्योंकि अब टेक्स्ट ही रह गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। आज हम फ्रेम वाले यूज़ करके देखते हैं। फ्रेम वाले में आए, आपको अब फॉन्ट चेंज करना होगा, फॉन्ट जो आपको पसंद है वो चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको राइट पे टैप कर देना है, जी नीचे राइट है ना उस पे। उसके बाद जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और ये एडिट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके मन में थॉट आ रहा है, जो आप इस ट्रेंड में लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जो भी आपको मन कर रहा है एक्स वाई जेड, या फिर जो ट्रेंड में लिखा रहा था स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, वो आप लिख देना। मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के जस्ट बाद आपको नीचे राइट पे टाइप करना है और इसकी लोकेशन सेट करनी है जहाँ पे आप इसे ड्रैग करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट पे टैप करा, अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऊपर की तरफ खाली स्पेस है तो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से रखना है, सेम एडजस्ट कर देना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि टेक्स्ट आए। उसके बाद पहले डॉट तक इसे लाना होगा ताकि हमारे पहले डॉट के बाद ये विजुअल ना रहे और गायब हो जाए। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस कर देना। ऊपर एक्सपोर्ट पर टैप करना, क्वालिटी सेलेक्ट करना, फ्रेम सेलेक्ट करना और इसे कर देना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद 100% होने देना। सो अब बताता हूँ आपको प्रिक्वायर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आना। वहाँ पे मैंने एक मैसेज पिन कर रखा होगा, वहाँ पे बेसिकली एक सेकंड ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना आपके ऊपर है। तो उस पर टैप करना और वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि एडिटिंग आपको कैसे करनी है। और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी कर देना। और हम मिलते हैं आपको अगले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।